सर चक्रधरपुर और आसपास और पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ देखा जा रहा है कि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, अलग अलग नए नए तरीकों से फ्रॉड किया जा रहा है। बहुत बार तो ये देखा गया है कि आर्मी के नाम पे, पुलिस के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। सर इस पे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इस पे कुछ आपका टिप्पणी चाहते हैं? देखिए आर्मी और फौज के प्रति लोगों के मन में जो है बहुत सम्मान का भाव है, और भी बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिनके प्रति सम्मान या फिर डर का माहौल होता है। उसका फ़ायदा जो साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति होते हैं वो लाभ उठाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब कोरोना का दौर था तो टीका देने के नाम पे जो है कि आपका नंबर आ जाएगा, आपका स्लॉट आ जाएगा, और टीका के नाम पे ठगी कर लेते थे। अभी के दौर में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग की जो क्रेज बढ़ रहा है, ऑनलाइन का मार्केटिंग का जो दायरा बढ़ रहा है, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि आपका कोई सामान आया हुआ है तो उसको ट्रैक कर लेते हैं और फिर OTP के बहाने वो आपका बैंक डिटेल ले लेते हैं। वह आपके मोबाइल में APK फाइल डालते हैं। APK फाइल में तरह तरह के ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, डेवलपर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, वो अलग अलग तरीके से अपने निजी फायदा के लिए, विशेष कार्य के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके बैंक से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन हो या OTP से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन हो, यह उनके पास चला जाता है जो साइबर अपराधी होते हैं, और यह अपराधी इस प्रकार से आपके खाता में सेंध लगा देते हैं और आपके पैसे को इधर उधर ट्रांसफ़र या फिर मार्केटिंग वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। तो मेरा आपके मीडिया के द्वारा लोगों से यह गुजारिश है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जैसे गूगल का आप देखेंगे कि उसका सिक्योरिटी मजबूत होता है। अगर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो वो सेफ रहता है। सेफ रहता है, उसमें बहुत सारे परमिशन मांगते हैं कि आपका खाता एक्सेस कर सके। तो अगर कोई सामान पहुंचाने वाला है और वो आपके यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है, वो क्या क्या एक्सेस मांग रहा है, आपका खाता, आपका निजी जानकारी, उसका तो ज़रूरत है नहीं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले यह ज़रूर देख ले कि वो क्या क्या जानकारी आपको ले रहा है, और बिना जाँचे परखे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते। बहुत बार क्लोन बना लेते हैं सर। हाँ। मतलब आपका स्क्रीन डायरेक्ट उनके क्लोन हो जाएगा उनके पास। स्क्रीन मिररिंग, तो आपका जो स्क्रीन चल रहा है वह दूर बैठे हुए आपका स्क्रीन पर दिख रहा है उसको कि आप क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपने आपके मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करवा दिया, अब उसमें आपको कहेगा कि ₹1 आप मेरे खाते में भेजिए। देखिए वो ₹1 क्यों लेता है कि ₹1 का कोई कीमत बहुत कम है, ₹1 देने में किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है नहीं, लेकिन ₹1 देने के क्रम में जैसे ही आपने अपना ID डाला, बैंक ID है जिससे आप अपना बैंकिंग ऐप चलाते हैं, या फिर UPI ID है, UPI का ID होता है वो डालें, फिर उसके बाद पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आप पासवर्ड डालें, तो ये सारा चीज़ वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है, हैक हो जाता है। देख लिया तो उसको तो आपका ID मालूम हो गया, उसको आपका पासवर्ड मालूम हो गया, तो वहीं से बैठा बैठा वो आपका पैसा उड़ा के कहीं भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ है, इसके लिए आज इतना ही, और आगे हम लोग चाहेंगे सर बीच बीच में आपसे इस पे हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे गंदे कॉल भी आते हैं, उस पे भी लोग फंसते हैं। हाँ, उस पे एक बहुत ये है कि वीडियो कॉल आता है जी, अनजान व्यक्ति का हम वीडियो कॉल उठाए ही जी, वैसे कॉल के लिए जो सेक्सोटॉर्शन अभी बड़ा अच्छा शब्द है जो ये डाला गया है कि वीडियो कॉल करते हैं, आपको उत्तेजित कर देते हैं कुछ ऐसा, या फिर आपका फ़ोटो चेहरा आ गया, वो किसी में एडिट करके कुछ लगा दिए और फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। कई जगह पे ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें लोगों को इस प्रकार से जाल में फंसा कर और बहुत सारे पैसे उगाही कर लिया जाता है। तो जब भी कोई अगर वीडियो कॉल अनजाना आदमी करता है, जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो आप मत ही उठाइए उसे। सर अगर इसमें कुछ लोग फंस जाते हैं तो बात तो यहाँ तक चल गई कि लोग सुसाइड तक कर लिए हैं। हाँ। तो वो लोग मतलब के थाना पुलिस के पास जाने में भी डरते हैं, तो वैसे लोगों के लिए सर क्या सजेशन है? लोक लाज जो होता है जी, लोक लाज के भय से लोग पुलिस के पास नहीं आते। हम आपके सम्मान का बिल्कुल कदर करते हैं, आप हमारे पास आएंगे, हमें बताएंगे, हम आपकी समस्या को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। बिना आपसे यह प्रश्न किया कि आप का मतलब किसी प्रकार से यह नहीं है, आप खुलकर हमें बताइए। आप देखेंगे कि डॉक्टर के पास, वकील के पास और पुलिस के पास
अगर आप सही बातें नहीं बताएंगे तो हम आपकी उतनी मदद समस्या नहीं का समाधान समस्या का समाधान जी। और निश्चिंत रहिए कि आप जो भी चीजें बता रहे हैं वो हम तक रहे, प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, जिम्मेदार जगह पे है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपका मान सम्मान बिल्कुल बरकरार रहे। हम जो आज पुलिस हैं, आपकी केवल जान और माल की नहीं, आपके सम्मान की भी रक्षा करने का हमारा प्रयास है। कि जान माल तो है ही, लेकिन सम्मान भी आपका बचा रहे, समाज में आपका प्रतिष्ठा कहीं भी किसी भी तरीके से कम ना हो, इसके लिए भी तो निसंकोच होकर आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया।